मैं चंद्रकला विश्वकर्मा, सौभाग्य स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष। आप लोग यहाँ पर क्या कर रही हैं और किस मकसद से? हम लोग यहाँ पे राखी बना रहे हैं और आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ाने के लिए इस मकसद से हम यहाँ बैठे हैं। जिस तरह से चाइनीज उत्पादों का पूरे बाजार के कब्जा होता है, तो क्या लगता है कितना टक्कर दे पाएगा आप लोग के हाथों से? देखिए, टक्कर देने के लिए तो हम लोग नहीं खड़े हुए हैं, पर कहीं तो खड़े हो जाएंगे हम ज़रूर। और अगर कहते हैं ना कि जहाँ जहाँ चाह है वहाँ राह है, और इम्यूनिटी की कोई ताकत होती है जो एक मुट्ठी हमारी बंध जाएगी, और स्वयं सहायता समूह की महिलाएं कम नहीं हैं, हजारों के तादाद में हैं, तो कम से कम टक्कर नहीं दे पाएंगे तो कहीं तो हम लेवल में आ ही जाएंगे। चाइना और चाइनीज उत्पादों का विरोध चौक चौराहों और गलियों पर तो तमाम देखा गया है, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर यह ऐसी पहली कवायद है जब प्रशासन ने 50,000 राखियों को बनाने का स्वदेशी तरीके से मुहिम छेड़ रखा है, और ये जिम्मेदारी वाराणसी के तमाम जो स्वयंसेवी महिलाओं का जो संगठन है उनको दिया गया है, ताकि संकल्प यही है कि इस बार काशी के बाज़ार में चाइनीज़ राखियां नहीं बिकेंगी और न ही जो काशी के भाई हैं उनकी बहनें उनको चाइनीज़ राखी कलाइयों पे बांधेंगी। और ये पूरी कवायद यहाँ करीबन 10 जो महिलाओं के संगठन हैं उनकी ओर से शुरू कर दी गई है, और 50,000 जो यहाँ पर राखियाँ हैं वो तैयार की जा रही हैं। अलग अलग जो सामान्य सी दिखने वाली चीज़ें हैं उनसे राखियाँ बनाई जा रही हैं। हम लोगों ने ये प्रण लिया और ये हम लोग का सपना साकार हो रहा है। मैं एक तरह से हम लोग मोदी जी का जो सपना था कि स्वदेशी को अपनाओ विदेशी भगाओ, वो चाइनीज चीज़ों का बहिष्कार करके हम लोग स्वदेशी चीज़ों को बना के अपने आसपास बेच के हम लोग अपनी कमाई भी कर लेते हैं और आत्मनिर्भर होने का योगदान भी हमको मिल रहा है। तो ये सिलसिला राखी रक्षाबंधन से शुरू हुआ है, और जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी कहना है कि आपदा को अवसर के रूप में लेना चाहिए, तो ये कवायद उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी से शुरू हो चुका है, और कोविड की महामारी से शुरू होकर रक्षाबंधन और फिर आगे आने वाले जो तमाम त्यौहार हैं उन तक ये जारी भी रहेगा। रोशन जायसवाल, वाराणसी।